नमस्कार। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमें भी मालूम है कि हमें घर में रहना है, और समझदार जो है वह घर में रह ही रहा है। पर मैं इस समय के दौरान मैं अपने जो विचार हैं वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि क्या अभी हम कभी हमने सोचा था कि बीता वक्त फिर से हमारी ज़िंदगी में आएगा? नहीं, हम रोते थे, हम सोचते थे कि वो ज़माना कितना हसीन था, जहाँ भाग दौड़ नहीं एक सुकून था। तो वही तो समय फिर से आया है, फिर से मिला है हमको। जब हम 90s के गीत याद करते हैं तो याद आता है घर में सबके साथ बिताया हुआ समय, खेलते रहना, घंटों बातें करना, कहानियाँ सुनना, वो सब समय हमें कई कई बार याद आ जाता है। पर आज वो समय फिर से जीने का हमें मौका मिला है। आज तो हमें कहीं भी बाहर नहीं जाना, बाहर की दुनिया में अगर काम न बने तो हम कितना निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और वो उदासी घर में भी कायम रहती है आकर। पर आज तो हमें घर में रहना है। जो हम न लौटा सके वो आज समय ने हमें दिया है। हम तो भागते रहे और कभी कभी इतना थक गए कि सुकून के पल ढूंढते थे कि मिल जाए फुर्सत का एक दिन, अवकाश का एक दिन, जिसमें हम अपने लिए जी सकें, जहाँ कभी कोई हमें बिजनेस और जॉब याद न दिलाए, हम अपने लिए सोचें। ऐसा समय हमें मिला है आज। वो मिला है प्रदेश पर आई विपदा के कारण। उस विपदा को भी हमें समझना है और इसीलिए हमें घर में रहना है। पर हमें उसके लिए पॉजिटिव सोच लानी है कि हम घर में रह रहे हैं, वो समय हमें मिला है, तो क्यों ना इसे जी भर कर जिए। दरवाजे बंद हों तो खिड़कियों से झांकने की हमें आदत हो गई है कि बाहर क्या हो रहा है, पर इस मनस्थिति को हमें बदलना होगा। हम ये बाहर की दुनिया देखकर ही निराश और दुखी हो जाते हैं। जब दरवाजे बंद ही हैं तो क्यों ना हम खुद में झांके, आत्मचिंतन करें, मंथन करें कि जीवन में जरूरी कुछ भी नहीं, ये पैसों के पीछे भागना, ये दिखावा, ये बनावटीपन, सब कुछ एक दिन एक ताले के पीछे हमारी ज़िंदगी के साथ बंद हो जाएगा, जिस तरह तालेबंदी में हम कैद हो गए हैं। तो हम घर में कैद हैं, पर अपने विचारों की उड़ान हमें दूर तक लेकर जाना है, अपने विचारों को सकारात्मक उड़ान देनी है। इसी पर मैं अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि सच यही है मान लो तुम। तुम कहते थे आधुनिकता के साथ चलो, बहुत पिछड़ी हुई हो तुम, तुम्हें लोगों से मिलने का तजुर्बा सीखना होगा। मैं घुमाऊंगा तुम्हें इटली, पेरिस, यूरोप, पर तुम्हें अपने इस बनावट से बाहर निकलना होगा। मैं सुनती थी चुपचाप क्योंकि वक्त तुम्हारा था। मोह माया की नगरी में धन का बोलबाला था, हर जगह दिखावा था और आकर्षण ने तुम्हें उकसाया था। अब वक्त मेरा है, मैं तब भी हारी नहीं थी और अब भी जीती नहीं हूँ। मगर मेरा मौन हमेशा कहता था
कि प्रकृति से खिलवाड़ अच्छा नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ अच्छा नहीं। मैंने बचा के रखे थे अपने आंगन में संस्कृति के फूल, मैंने बचा के रखे थे अपने आंगन में संस्कृति के फूल, मैंने संभाल रखा था अपना घर उसी परवरिश से जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी छोड़ गए थे अपने अनुभवों की सीख। कुछ भी तटस्थ नहीं रहता वक्त के साथ, वक्त आने पर बदल जाता है वक्त, सुना था और देख भी लिया साक्षात। तुम्हारा अहंकार मेरे बिना कुछ कहे ही ढह गया, तुम्हारा अहंकार मेरे बिना कुछ कहे ही ढह गया। तुम जहाँ ले जाना चाहते थे मुझे, वहाँ जाने से तो अब हर किसी का दिल दहल गया। तू तू मैं में हमने समय कितना गुजार दिया, तू तू मैं में हमने समय कितना गुजार दिया। पश्चिमी सभ्यता के पीछे अपनी संस्कृति का आवरण उतार दिया। मैं आज भी खड़ी हूँ उसी जमीन पर, मैं आज भी खड़ी हूँ उसी जमीन पर, बस तुम अपना गुरूर छोड़ इस जमीन पर आ जाओ। तुम मत सिखाना मुझे अपना नया गणित, तुम मत सिखाना मुझे अपना नया गणित। मैं रटना चाहती हूँ वही पहाड़े जो हर समय उठते बैठते बुलवाए जाते थे मुझसे। सहेज के रखना चाहती हूँ पूर्वजों का ज्ञान जो दूर दिनों में हमेशा मुझे आता है काम। सुनो इस बार मेरा कहा मान लो, सुनो इस बार मेरा कहा मान लो। तुम गुलामी करना छोड़ दो, मैं आज़ादी का तोहफा दूंगी तुम्हें। सुनो इस बार मेरा कहा मान लो, तुम गुलामी करना छोड़ दो, मैं आज़ादी का तोहफा दूंगी तुम्हें। चलो कुछ दिन साथ बैठ अपने हाथों से बनाए गर्म भोजन का स्वाद लें, चलो बंद हो जाएं अपने घर में अपनी ज़रूरतों के साथ, चलो बंद हो जाएं अपने घर में अपनी ज़रूरतों के साथ, और समझ जाएं कि ज़िंदगी की ज़रूरत इतनी ही है, रोटी कपड़ा और मकान। समझ लें जियो और जीने दो का सच, समझ लें जियो और जीने दो का सच, अपना लें सेवा ही परमो धर्म। चलो भारत में भारतीय जैसे रहें, चलो भारत में भारतीय जैसे रहें, चलो लड़े इस परिस्थिति से, चलो लड़े इस परिस्थिति से जिसका निराकार होना ही हमारे साकार रहने का एकमात्र कारण है। यह परिस्थिति, यह वायरस जो हर जगह फैला हुआ है, उसको निराकार करने का एक ही कारण है कि हम घर में रहें, तभी हम साकार रह सकते हैं। धन्यवाद।